जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला आज सारागढ़ी के शहीदों को नमन करने के लिए फिरोजपुर के सारागढ़ी गुरुद्वारा साहिब में पहुंचे, जहां पर उन्होंने गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों की मांगे बिल्कुल जायज है। केंद्र सरकार ने जो खेती कानून पास किए हैं, हमारे द्वारा पूरा विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए इन तीनों खेती कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को किसानों के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए और इस मसले का जल्द से जल्द हल निकालना चाहिए, क्योंकि अगर किसान नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं रहेगा। देखिए, वायलेंस तो इलेक्शन में होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो किसी का साइड नहीं ले और सही तरीके से ये देखे कि इलेक्शन साफ सुथरे हों। ये इलेक्शन कमीशन का जो उनके पास अथॉरिटी है वो इस चीज़ की है। अगर इलेक्शन कमीशन बायस हो जाता है फिर वो इलेक्शन में ख़तरा रहता है। तो ममता बनर्जी जी कह रही हैं, जो आपका सवाल है, कि इलेक्शन कमीशन बायस है, और वक्त बताएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन बायस है या नहीं। जैसे जैसे इलेक्शन चलेगा उसके बाद पता लगेगा क्या है। सर, किसानों का मसला कैसे देख रहे हैं, कि किसानों का मसला लंबा होता जा रहा है, केंद्र सरकार इस तरफ? मैं आपको बताऊंगा, कई मसले लंबे हो जाते हैं मगर किसानों का मसला सही है। तीन कानून जो पास किए गए, हमने उसका विरोध किया पार्लियामेंट में, और हमने उस वक्त भी सरकार से कहा था इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए, वहाँ देखें इसमें अगर कोई खराबी है उसको ठीक किया जा सकता है और फिर कानून लाइए। जम्मू कश्मीर आज भी हम ये कहते हैं कि साहब, आज भी हम ये कहते हैं कि ये जो कानून है इसको वापस ले लीजिए, किसानों से बैठ के बात कर लीजिए और जो सही है उसको लाइए, जिसमें किसान भी खुश रहेगा, देश भी आगे तरक्की करेगा। किसान मर गया तो हम कहाँ जाएँ? फारूक सर, सुब्रमण्यम चिवामी जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने ही अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं कि केंद्र सरकार किसानों के मसले में नहीं झुक रही, वो चीन के आगे झुक जाती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन काफ़ी पावरफुल है, मगर हमें भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं। हमने चूड़ियाँ पहननी रखी, मैं ये ज़रूर कहूँगा, हाँ है मजबूत, मगर जब इंसान वो तहिया कर ले तो वो फिर, जो आपको याद होगा वो गोलायत और डेविड की कहानी, कितना बड़ा जायंट था और इतना टीनेजर आदमी था, मगर उसमें इरादा था, उसने गोलायत को गिरा दिया। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिले हैं? मुझे तो कोई बदलाव नहीं मिला। जैसे कि पहले पत्थरबाजी हुआ करती थी, कुछ देर ही पहले जब गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, विपक्ष के नेता थे राज्यसभा में, तो उनने सवाल उठा, वहाँ से उनने कहा था कि बहुत तरक्की हुई है। उनने एक ही चीज़ कही, उनने कहा सांबा देख, सांबा में 12,000 लगे हुए थे उद्योग, जब से 370 उठाया गया आज वहाँ सिर्फ 7,000 उद्योग हैं, वो क्यों भाग रहे? अगर सचमुच हम लोग उन्नति पे हैं, तरक्की कर रहे हैं, फिर तो उनको और आना चाहिए और इंडस्ट्री लगनी चाहिए। जिस तरह पहले पत्थरबाजी घटना, समझते हैं कि पत्थर मारने से ही बदलाव आ जाता है, उससे आप लोगों के दिलों को नहीं देखते। आखिरकार 370 किसने दिया? हम लोग मुसलमान रियासत थे, हम लोग पाकिस्तान जा सकते थे या नहीं जा सकते थे, मगर वहाँ एक मर्द मुजाहिद था जिसका नाम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, उसने कहा कि हमारा नाता हिंदुस्तान के साथ है, बहुत गांधी के हिंदुस्तान के साथ है, याद रखिएगा। तो अब सर, क्या ताकत के साथ नहीं था, और जब उस वक्त बैठे तो महाराजा हरि सिंह ने 1927 में कानून लाया था, डोगराओं के वो जो उनके जो कल्चर है उनको बचाने के लिए, वही फिर 370 में आया, बचाव आया, और उस बचाव ने रियासत को बचा दिया। इस तरह बाकी रियासतों में लोग बसे हुए हैं, हमारी रियासत में नहीं बसे हुए, वो तो एक बचाव है, बाकी जगहों तो सब बसे हुए हैं। तो इसे ये कहना, हमने कभी नहीं कहा हम भारत के हिस्सा नहीं, हम भारत के हिस्सा हैं, ये गलतफहमी निकालिए, हम भारतीय हैं,
मगर जो आपने हमसे वादा किया है उसको पूरा किया, और हम कुछ नहीं चाहते, हम भारत के साथ तरक्की करना चाहते, पीछे नहीं हटना चाहते। सर आपने कहा था पंजाब में लगभग आपका विजिट तुम कैसे देखे हैं फिरोजपुर में? देखिए सबसे बड़ी चीज़ मुझे, पिछली दफा जब मैं आया था कुछ साल पहले, तो मैं यहाँ नहीं आया था, और मेरी ज़बरदस्त इच्छा थी कि इन फौजियों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, और तब कुर्बानियाँ दी हैं 1800 18,000, आज तो 21 है अंग्रेज़ों का राज, मैं उस वक्त आ नहीं सका। आज मेरा ये ख्वाब पूरा हुआ कि मैं यहाँ पे आ सका, उनके उनको श्रद्धांजलि पेश कर सका, और गुरुद्वारे में अपने लिए और मुल्क के लिए दुआ कर सका। सर कुछ राजनीति का हलचल देखिए, अब तो होगा, जब आप कहते हैं भूगोल बढ़ेगा, आप देखना क्या क्या आएगा यहाँ, क्या क्या कहा जाएगा, सर, और किस तरह देश को बांटा जाएगा, हिंदू को अलग, सिख को अलग, मुसलमान को अलग। सर आपने आपको भी ये लिखना चाहिए, हर इलेक्शन ने हमें बांटा है, इलेक्शन ने हमें मजबूत नहीं किया है। सर मोदी गवर्नमेंट का हमें कभी धर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, धर्म का इस्तेमाल गलत है, क्योंकि कोई धर्म बुरा नहीं है, वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई धर्म नहीं है, खराब नहीं है, इंसान खराब है, धर्म खराब नहीं है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि धर्म पर मत बांटो लोगों, मंदिर और मस्जिद पर मत बांटो, गुरुद्वारे पर मत बांटो, तरक्की पर बांटो। आज हम कोविड में फंसे हुए हैं, रोज बढ़ रहा है ग्राफ, बढ़ रहा है, इससे हमें लड़ना है, धर्म से नहीं लड़ना है। सर आपने कहा था साहब, यही तो ना जो मैंने आज कहा, पता नहीं उसको भी कैसे आप लुटा देते, इधर से उधर से उधर। अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ते तो ये कहते हैं कि साहब पाकिस्तान से कॉल आया है कि इलेक्शन मत लड़ो। जब हमने लड़ा और हम घरों में बंद थे, तब भी हमने डंके की चोट दिखाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो हमने वो गठबंधन बनाया वो जिंदा है। तो यार हिंदुस्तानी क्या कहेगा, चीन से वो फ़ायदा लो, पाकिस्तान से फ़ायदा लो, हमने लड़ना है तो यहाँ की सरकार से लेना है जो हमारा हक है। सर मोदी को हिंदुस्तान, गांधी का हिंदुस्तान सबके लिए था जी सर, मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, और जिसका धर्म नहीं है उसके लिए भी ये हिंदुस्तान वही रहेगा। मोदी का हिंदुस्तान जो है वो एक छलावा है जनाब, इलेक्शन का ढोंग है, इलेक्शन में हमने वोट लेने हैं, इसलिए धर्म पे बांट रहे हैं, मगर ये नहीं देखते हैं कि देश का बेड़ा गर्क उसी से। फिरोजपुर से रतन लाल की रिपोर्ट, जनहितेश न्यूज़।